को जय डोगरा। आज उधमपुर ने अपनी एकता दिखाई है। मैं उस उधमपुर के निवासियों को, उधमपुर के नौजवानों को, उधमपुर के दो दुकानदारों को धन्यवाद करता हूँ। जम्मू के साथ ही चलेंगे, जम्मू अलग नहीं है, जम्मू हमारा हिस्सा है। इसलिए जिस प्रकार हमारी ये एसोसिएशन हमारे साथ 25-30 एसोसिएशन जुड़ी है, जितने हमारे जितने प्रेसिडेंट है सब यहाँ पर आए हैं। सुबह रायपुर सुबह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सुबह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सत कहेंगे, सत लिखेंगे, सत चलेंगे। जितने सारे एसी साहब भी मना रहे, बाहर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन्हें भी आख्या कि ये निकल लगेगा। अस इंदे कन्नै मांग करने कि इसी जेह्ड़ा टोल प्लाजा इमीजिएटली टू इसी जित्थे रिमूव किया जाए और जेड़े साढ़े साथी इन्हें रिहा किया जाए। और कन्नै कन्नै मैं तुसें दसा जी भेदभाव की जेड़े बड़े भ्रा ने आख्या भेदभाव की नीति जी है, पहले तुसें दिखाया साड़ी बिजली इन्हें बंद की, बिजली अनजरूर कट हो गया, कट के कन्नै कन्नै अनजरूर कट हो गया। फिर दूआ जेड़ा साड़ा कामन यूनिवर्सल इंटर टेस्ट साढ़े बच्चे जेड़े है जम्मू के जम्मू प्रोविंस के उन्हें बाहर भेजा गया, डे बाय डे उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स साल आई गया। डे बाय डे जी भेदभाव की साढ़े कन्नै नीति जारी करा दे, इसी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा साथी आज हिरासत में है, उन्होंने एक पूरे डोगरा संगठन के साथ मिलकर के ये एक साथ होकर के आगे बढ़े थे। आज मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, सभी एक साथ जहाँ पे आगे बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे नीचे। आज जो हुआ है, आज उधमपुर ने अपनी एकता दिखाई है। मैं उस उधमपुर के निवासियों को, उधमपुर के नौजवानों को, उधमपुर के दो दुकानदारों को धन्यवाद करता हूँ। आज हमने जहाँ पे बैठ के अपना जो विरोध है वो हमने अपना जहाँ दर्ज करवाना है और आज हम उसी के नाते यहाँ डीसी ऑफिस में आए हैं। आज हम अपना मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी वो हम अपनाएंगे। आवाज में जोरदार से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उधमपुर एकता जिंदाबाद, उधमपुर डोगरा संगठन जिंदाबाद, उधमपुर डोगरा संगठन जिंदाबाद, जय डोगरा, जय डोगरा, जय डोगरा। नौजवानों आज इधर बोला क्योंकि सारे पूरा आदरण, क्योंकि शेर जय डोगरे, शेर के साथियों को रिहा करो, करो रिहा करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो जो हमारे साथी युवा राजपूत के जो जेलों में डाल दिए गए हैं, हम पूछना चाहते हैं किन किस कसूर में आज 6 दिन हो गए उनको अंदर रखा हुआ है, उनकी रिहाई के लिए आज ये प्रोटेस्ट किया है और इसी प्रकार हम उनका पूरा साथ देते रहेंगे। और जो उनकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है कि जो 40 किलोमीटर के बाद जो स्लोट टोल प्लाजा लगाया उसको उखाड़ दिया जाए, ताकि जम्मू का मोल ऐसा ही जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम पे थोपा जा रहा है। जब से ये एलजी साहब आए हैं कोई ना कोई नया फरमान हम पर थोपा जा रहा है। ये ना समझे कि मैं इनको बता देना चाहता हूँ, उधमपुर में पहले भी हड़तालें होती हैं और ये ना हो कि बम बम बोले वाले की हड़ताल हो जाए, जैसे कि उस समय सारा जम्मू सारा एक होकर इकट्ठे होकर जैसे कि हो गया था। उसी लिए मैं ये उधमपुर व्यापार मंडल या मेरे साथ स्वर्णकार संघ के ये जोगिंदर जी खड़े हैं, इनकी तरफ से या जितनी यूनियन प्रेसिडेंट मेरे साथ आए हैं, सारी जितनी यूनियन है उनकी तरफ से आज ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है और आगे भी
जिस प्रकार हमें लगेगा हम आपस में बैठेंगे और अपनी टीम जितनी भी हमारे असिस्टेंट प्रेसिडेंट है बिठाकर जो हमारा डिसाइड होगा हम इसको आगे चलाएंगे और एकजुट होकर चलेंगे ताकि हमारा एक शहर का अच्छा संदेशा जा सके। ट्रांसपोर्ट जो है वो वीरवार से बंद है, उन्होंने राखी का एक्सटेंड किया है। इसी प्रकार हमने भी मीटिंग की, हमारे जितने भी प्रेसिडेंट थे उसमें हलवाई यूनियन का प्रेसिडेंट था, मनियारी यूनियन का प्रेसिडेंट था, ज्वेलर्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और जिन्होंने बताया कि राखी है दो दिन के बाद जैसे हमें प्रोग्राम आएगा हम बंद करेंगे, जम्मू के साथ ही चलेंगे, जम्मू अलग नहीं है, जम्मू हमारा हिस्सा है। इसलिए जिस प्रकार हमारी ये एसोसिएशन हमारे साथ 25-30 एसोसिएशन जुड़ी है, जितने प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर आए हैं उनके फैसले के बाद हम ये निर्णय लेते हैं, अकेले हमारा निर्णय नहीं होता है। डीसी मैडम को मेमोरेंडम देंगे जो कि एलजी साहब के नाम लिखा है, एलजी साहब डीसी मैडम के थ्रू भेजेंगे। समय है जम्मू की बात करने का और जम्मू के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने का। सबसे पहले जब हमारे सरोर टोल प्लाजा को लेके जब हमारे कुछ भाई बंधुओं को आवाज़ उठाने पे जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उसको लेकर हमारा रोष है। तो और साथ ही साथ यहाँ पे जो आज ज़रूरत है कि एलजी को इमीडिएटली हटा के यहाँ का लोकल एक एलजी जम्मू के अंदर लाया जाए ताकि जो लोकल समस्याएं हैं, जम्मू की अपनी समस्याएं हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। आप जैसा कि आपने देखा होगा पिछले बहुत सारे समय से जम्मू के अंदर बिल्कुल एक तरह से अव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। यहाँ तो एक तो पॉपुलर सरकार ना होने के कारण एलजी प्रशासन ने यहाँ के लोकल इश्यूज को प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया। आज जम्मू की परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, पूरा का पूरा जम्मू बंद पड़ा हुआ, पूरे हर गली नुक्कड़ पे आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।